हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने इसके अंदर पढ़ा था कि मैटर जो है वो कितनी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, कितनी अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। तो उसमें हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस हमने पढ़ लिया है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके क्या क्या गुणधर्म है इसके बारे में हम स्टडी किया है। आज करते हैं कि क्या एक स्टेट को दूसरी के अंदर इंटरकन्वर्ट यानी बदल सकते हैं या नहीं। तो यही क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है या नहीं। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम वाटर का, जल का। तो हमने देखा है कि जल जो है वो तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है, सॉलिड बर्फ के रूप में एज आइस, लिक्विड जो है वाटर हम देखते हैं जल, और जो गैसियस फॉर्म है वो होती है वाटर वेपर। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आइस का, सॉलिड के गैस के अंदर ठोस जो है। अब चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन जब भी होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो चाहिए। अब अगर देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठोस के जो भी कण हैं, वो आपस में क्या है, स्ट्रोंग इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतः परमाणु बल जो है उनसे जुड़े होते हैं। अब इस फोर्स से ज़्यादा अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो स्टेट है, अवस्था है, वो बदल जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तापमान जब भी बढ़ाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जब इनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, तब ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग होगी। अब देखते हैं इसके अंदर, यानी तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जगह बन जाएगी। इस जगह बनने से क्या होगा, इनकी अवस्था बदल जाएगी। तो अगर हम देखें कि आइस यानी बर्फ को जब रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देंगे तो वो धीरे धीरे क्या है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जल के अंदर। तो वो किस कारण हुआ है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड फॉर्म की। लिक्विड फॉर्म के अंदर जैसे हमारे पास है वाटर, जल, तो इसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर क्या है कि स्पेस वो तो ना के बराबर होता है लगभग, जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं इनके बीच में। अब क्या होगा, यहाँ पर जब हम टेम्परेचर तापमान को बढ़ाएंगे तो इनके बीच में और ज़्यादा गैप है, जगह है, वो बनेगी। इसके बनने से क्या हो जाएगी, इसकी स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो पार्टिकल हैं, कण है, ये काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। अब जो ये स्टेट बनेगी, ये कौन सी स्टेट बनेगी, वाटर वेपर। यानी लिक्विड का जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, किसके अंदर, अब ये गैसियस फॉर्म में यानी गैसीय अवस्था के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है यानी बदल चुका है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक। होता क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड। यानी हमने देखा है कि जैसे आइस की बात करें, आइस के जो पार्टिकल थे, कण थे, वो क्या थे, काफ़ी पास पास, यानी उनके बीच में जो गैप था वो काफ़ी कम था, ना के बराबर। अब जब वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुए यानी उनकी स्टेट चेंज हुई, अब उस स्टेट को चेंज करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी,
वो थी टेम्परेचर की, यानी तापमान। इस केस में क्या किया हमने, इसको कुछ ना कुछ हीट सप्लाई की है, कुछ ना कुछ ऊष्मा इसको दी है। टेम्परेचर देने से और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वातावरण का जो दबाव होता है, उसके कारण क्या है, इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है। तो अब इस केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा कि वो कम से कम तापमान जिस पर एक ठोस जो है वो द्रव के अंदर बदल जाता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अपने पास कि व्हेन द सॉलिड मेल्ट, जब भी कोई ठोस पिघलता है, इट्स टेम्परेचर रिमेंस द सेम, यानी इसका जो तापमान है वो समान रहता है, क्यों? इसके लिए एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम। जैसे कोई बिकर लें, बिकर के अंदर है आइस और नीचे से हम इसको कर रहे हैं हीट, उष्मा दे रहे हैं। तो इस आइस का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, बर्फ है, बर्फ का जो तापमान है वो सेम रहेगा, तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल जो है सॉलिड के अंदर, बर्फ जो है आपकी एक सॉलिड है, इसका जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का आपस में वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जब ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी टेम्परेचर देने पर, तो इन पार्टिकल का जो गैप क्रिएट होगा आगे लिक्विड बनने के लिए, तो जो ये हीट है वो उस फॉर्म में यूज होगी, ना कि इसका टेम्परेचर राइज करने में। तो इसलिए इसका जो तापमान है टेम्परेचर वो क्या रहेगा, सेम। पहले हमने पढ़ लिया है कि सॉलिड मेल्ट जब होगा, ठोस जब भी पिघलेगा, तो उसका जो तापमान है टेम्परेचर वो सेम रहता है। अब इस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए यानी पिघलाने के लिए कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो उस एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी हीट, ऊष्मा जो है वो चाहिए किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी संघनन की गुप्त ऊष्मा। इसको गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट क्यों बोला गया है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो इसी वजह से क्रिएट होगा, इसी वजह से बनेगा। तो ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी संघनन की गुप्त ऊष्मा, ये अमाउंट ऑफ हीट है, ऊष्मा की मात्रा है जो कि एक केजी, एक किलोग्राम जो सॉलिड है अपना, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वातावरण का जो दबाव है उसके ऊपर क्या है, लिक्विड यानी द्रव के अंदर बदल देती है। हमने मेल्टिंग पॉइंट देख लिया है, अब देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, यानी वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगे। अब ये कंडीशन है कि सॉलिड से हमने पहले कन्वर्ट किया लिक्विड के अंदर, लिक्विड से फिर होगा अब गैस के अंदर यानी वेपर जो बनेंगे। अब देखते हैं कि पहले जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया है ठोस से द्रव के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, हमने कुछ टेम्परेचर दिया और इसकी स्टेट चेंज हो गई। अब उसके बाद क्या है कि लिक्विड से गैस में जब भी बदलेगा हमें टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं सॉलिड के पार्टिकल हैं, गैप ना के बराबर इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल सबसे ज़्यादा। अब इनको जब हीट दी तो ये जो पार्टिकल है इंडिविजुअल अकेला जो है, हर एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी,
गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनकी स्टेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी, यानी ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या है, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो लिक्विड जो है, लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल की अरेंजमेंट है, फ्लूडिटी इसके अंदर पाई जाती है, जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं उसी की शेप ये ले लेगा। तो क्या हुआ, टेम्परेचर और बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो और बढ़ी। अब ये रैंडमली मूव करेंगे, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं रहेगी। हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ लिया है, संघनन की गुप्त ऊष्मा जो है पढ़ लिया है। उसके अंदर क्या था कि एक केजी जो हमारा सॉलिड है उसको हमने कन्वर्ट किया है लिक्विड के अंदर, यानी अमाउंट ऑफ हीट, जितनी ऊष्मा चाहिए एक केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब लिक्विड जो है हमारे पास, लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे हम गैस के अंदर। अब लिक्विड की जो अमाउंट है वो दे रखी है हमारे पास एक केजी, यानी एक किलोग्राम। एक किलोग्राम लिक्विड को एनवायरमेंट प्रेशर यानी वातावरण का जो दबाव है उसके ऊपर हमें कन्वर्ट करना है गैस के अंदर। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसके लिए चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने जो है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ठोस, द्रव और गैस, इनके अंदर इंटरकन्वर्जन यानी आपस में ये कैसे बदलेंगे ये देख लिया है। सॉलिड को कुछ ना कुछ टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, वो लिक्विड के अंदर बदल जाएगा, और लिक्विड को कुछ ना कुछ हीट देंगे तो वो गैस के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, ठोस द्रव के अंदर और द्रव गैस के अंदर। अब ऐसा भी हो सकता है कि ठोस को हम सीधे गैस के अंदर भी बदल सकते हैं, तो इसके लिए जो प्रोसेस उसका नाम है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। इसके लिए क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। इसके लिए एक बर्नर लेना पड़ेगा, एक चाइना डिश है, एक फनल, उसके नीचे जब हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब भी बर्नर की सहायता से हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट इसके बनेंगे वेपर यानी गैस। उस गैस के यहाँ पर हम कॉटन प्लग लगा सकते हैं कपास, तो वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी सीधा जो है सॉलिड से गैस में ये कन्वर्ट हुआ, और दोबारा से इसको हम यहाँ पर सॉलिड फॉर्म के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड की यानी NH4Cl जो है हमारे पास, इसकी जो हमने एक्टिविटी ली है उसके अंदर क्या है कि सॉलिड जो है वो गैस के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ, यानी ठोस गैस के अंदर बदला है। तो ये प्रोसेस, इसका नाम है सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट होना। ये उल्टा भी है, गैस डायरेक्ट सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। तो दोनों प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन हमने पढ़ लिया है, इसके अंदर क्या था कि सॉलिड को कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा था कि इनके बीच की जो पार्टिकल हैं, कण हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी, और इसके साथ ये अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर रहे थे। अब क्या होगा कि अगर हम प्रेशर को यानी दबाव को अगर बदलें तो उस केस में क्या होगा। अब गैसेस की जब बात करें, इनके जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो होते हैं काफ़ी दूर दूर, रैंडम मौसम के अंदर होते हैं। अब जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है
वो पार्टिकल की हो जाएगी कम। कम होने से क्या होगा कि ये पार्टिकल जो हैं दूर दूर थे वो आ जाएंगे काफ़ी क्लोज। और अगर इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो और ज़्यादा पास आ जाएंगे। अगर हम प्रेशर जो है दबाव उसको बढ़ाते रहें और टेम्परेचर जो है उसको लगातार रिड्यूस करते रहें, कम करते रहें, तो एटमॉस्फेरिक जितनी भी गैसेस हैं उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी द्रव अवस्था के अंदर बदल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपको किसी भी सेक्शन के अंदर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।